बंदर निकटस्थ मांडवी और कराची दे राति 8टा मध्य गति करिबो। कैटेगरी 3 रा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्य सर्वाधिक पवन बेग 125 किलोमीटर बोली आईएमडी पक्षर सूचना दी जाइए। तेज बात्यार प्रभाव में उपकूल में प्रबल वर्षा आशंका रही। वर्षा आरंभ हो अनेक अंचल वर्षा पवन आरंभ हो जेहेतु प्रक्रिया आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया जहाँ रही चारिटू आठटा भितर तेज से प्रक्रिया धीरे धीरे आरंभ होगा लगी। वर्षा पवन धीरे धीरे बढ़िवार लगी। कच्छ देवभूमि द्वारका जामनगर में विशेष प्रभाव यार पड़ प्रशासन पक्षर 120 गाँव रोक स्थानातर कर कच्छ जामनगर मोबी राजकोट देवभूमि द्वारका जूनागढ़ पोरबंदर गिर सोमनाथ जिले में प्रशासन सतर्क रहा बहु स्थान में बात्या आश्रयस्थल कर लोक रखा जा। एनडीआरएफ 18 टीम एसडीआरएफ 12 टीम सड़क और कोठा विभाग 115 टीम राज्य विद्युत विभाग विभिन्न टीम को उपकूल जिलागुड़िक अवस्थापित कर समस्ते आलर्ट रही बात्यार मुकाबला करने नौसेनार 4 जहाज को मुतयन कर पश्चिम रेलवे 76 ट्रेन को बातिल करा बात्या महाराष्ट्र कर्णाटक केरल आदि राष्ट्र में बात्यार प्रभाव देखाला। समुद्र में उच्च जुआर रही वर्षा जारी रही। महाराष्ट्र में 14 एनडीआरएफ टीम नियोजित थिबा बेले केवल मुंबई में 5 टीम मुतयन कर एक साइक्लोन के साथ बहुत सारे स्पाइरल बैंड्स होता है। ये एक स्पाइरल बैंड का अंग है। जो एक्चुअल प्रोसेस है वो इवनिंग में शुरू होगा और मिडनाइट चालू रहेगा। आफ्टर द लैंडफॉल फिर ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसका गति चालू रखेगा और धीरे धीरे वीक होते हुए कल सुबह को इसका विंड स्पीड 7 to 8 गोस्टिंग टू 90 किलोमीटर आवर हो जाएगा। कि कच्छ में सबसे ज्यादा सीवियर वेदर होगा, जैसे कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। विंड स्पीड 115 to 125 kmph, गोस्टिंग टू 140 kmph हो सकता है। टाइडल वेव 2 to 3 meters कोस्टल एरिया में इनंडेशन करा सकता है और ये बारिश से लोलाइंग एरिया में भी इनंडेशन हो सकता है। और जैसे हम पहले बोल के रखे हैं, ये जो विंड स्पीड है इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। स्लॉट्स, स्लम्स, मड हाउस, एस्बेस्टस हाउस, टीन हाउस, बोर्डिंग्स, लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। ट्री अपरूटिंग हो सकता है, ट्री ब्रांच ब्रेकिंग हो सकता है और टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स अपरूटिंग बेंडिंग हो सकता है। लोगों को 0 to 5 kilometers तक का एक सुनिश्चित किया गया, जिसके पास कच्चे झोपड़े हैं, जिसका मकान उड़ जाएगा ये पवन में, ऊपर के रूफ उड़ जाएंगे, उन सबको यहाँ से चिन्हित करके उठा दिया गया है। संदीप पटनायक पानीपाग विशेषज्ञ आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना करवा। श्री पटनायक आपको स्वागत करुच्ची नंदीगोष टीवी को। वर्तमान विपर्य स्थिति कौन देखुंत जो लैंडफॉल प्रक्रिया रही है 4 to 8 भितर जो प्रक्रिया रही है कि देखुं प्रक्रिया एवं आरंभ है कि आज्ञा वर्तमान विपर्य धीरे धीरे जो दक्षिण भाग रे जो बादल खंड माने अछंती से माने सौराष्ट्र आउ कच्छ एरिया रा डिस्ट्रिक्ट मानन को अफेक्ट करबा आरंभ होलेने, किंतु उत्तर भाग रे बेसी किछि बादल संगठित नहंती। सेति पई कि टिके डिसलोकेशन हिची जो सर्कुलेशन आउ क्लाउड बैड भितरे दुर्बल अछि। मते लागुछि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जस्ट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, किंतु ऑलमोस्ट 120-140 दबार बहुत जथेष्ट संभावना अच्छी। कच्छ एरिया रे मोस्टली सौराष्ट्र एरिया रे मत लगुच दी तीन टा डिस्ट्रिक्ट द्वारका, जामनगर, पोरबंदर अप टू राजकोट पवन पाई परंती आउ धीरे धीरे से उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबो, किंतु वर्षार परिमाणटा काली भी रहिबार संभावना रहुचि। वर्षार डिस्ट्रीब्यूशनटा उत्तर प्रदेश पर्यंत रहिवार अछि आ मनसून रो निम्नचाप रेखा को मध्य सक्रिय करिवार संभावना रहिछ। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद पटनायक समस्त आलोचना पाई। संदीप पटनायक थे, डॉक्टर संदीप पटनायक आम सहित अधिक आलोचना करते। बात्या विपर्य तांडव धीरे धीरे आरंभ होबार लगुच्छे और जहाँ रही प्रक्रिया मध्यरात्रि सुधा लैंडफॉल प्रक्रिया शेष होब तार प्रभाव देखा मिलला। वर्षा सांग को पवन
जारी रही अनेक अंचल समय स्वतंत्र उपस्थापना प्रेक्षक नमस्कार।